हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन पेपर दिख रहा है और ये पेपर मैंने एग्जाम जेड वाई जो एक साइट है, बेसिकली टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से लिया है। आप लोग यहाँ से भी ले सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ये अवेलेबल है, तो वहाँ से भी ये क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये पेपर है बेसिकली इलाहाबाद हाईकोर्ट, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट है, हाईकोर्ट उसका ग्रुप डी का एग्जाम हुआ है। ग्रुप डी का एग्जाम जो कि कंडक्ट हुआ है 17 दिसंबर 2022 को ये एग्जाम कंडक्ट कराया गया है। इसके अंदर 100 क्वेश्चंस हैं आपके, ठीक है। 25 क्वेश्चंस आपके जीएस के हैं, 25 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश के हैं, 25 क्वेश्चंस हैं आपके मैथ्स के, मैथ्स एंड रीजनिंग बेसिकली, और 25 क्वेश्चंस हैं आपके हिंदी लैंग्वेज के। तो हम इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर बात करेंगे जीएस और मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस की, ठीक है। इंग्लिश के क्वेश्चंस और हिंदी के क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर नहीं करूँगा डिस्कस। हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर जीएस को और जो आपके मैथमेटिक्स का पार्ट है या रीजनिंग के जो क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो यहाँ पर इसको क्लीन कर देते हैं, फिर देखते हैं। देखिए सबसे पहला ही क्वेश्चन आपका एक मैथमेटिकल रीजनिंग क्वेश्चन है बेसिकली। तो कंप्लीट द गिवन सीरीज पूछा गया है, तो 36 और 34, 30, 28, 24, तो ये सीरीज है। आपको बताना है कि नेक्स्ट टर्म कौन सा होगा यहाँ पर। तो देखिए आप देख सकते हैं 36 और 24 के बीच में प्लस 2 का वेरिएशन जा रहा है। यहाँ पर जो वेरिएशन है माइनस टू, इसको एक मिनट, जस्ट मिनट, दैट इज माइनस टू यहाँ पर है, माइनस फोर का यहाँ पर है, देन यहाँ पर आपका फिर माइनस टू का दिख रहा है फ्लो, और यहाँ पर आपका माइनस फोर दिख रहा है। तो नेक्स्ट आपका जो आएगा वो क्या आएगा, माइनस टू के साथ में। तो 24 में से 2 गए तो कितने बचे, 22, तो 22 होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 322। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट दी गई है ऑल बसेस आर कार्स, ठीक है, ऑल बसेस आर कार्स, दैट इज बसेस यहाँ पर है, ऑल बसेस आर कंसिडर्ड अंडर द कार, ठीक है, ऑल स्कूटर्स आर बसेस, ऑल स्कूटर्स आर बसेस। अब देखिए जितने भी स्कूटर्स है वो क्या है, बसेस के अंतर्गत आते हैं, तो यहाँ पर हो गया स्कूटर। तो इस तरीके का ये आपका वेन डायग्राम बनेगा। कंक्लूजन पे आते हैं। कंक्लूजन में कहा गया है कि नो स्कूटर इज बस, नो स्कूटर, ये स्टेटमेंट आपकी कंक्लूजन गलत है। ऑल कार्स आर बसेस, ये स्टेटमेंट भी आपकी गलत हो जाती है, ठीक है, ऑल नहीं होगा, सम कार्स कह सकता था, बट तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का, दैट इज नाइदर वन नॉर वन और नॉर टू, ठीक है, मतलब इन दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं है, ठीक है, कोई भी कंक्लूजन सही नहीं है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, थोड़ा सा इसे नीचे कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है मैच ऑफ द फॉलोइंग, मैच ऑफ द फॉलोइंग से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस आपको इस पेपर में देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है द एफएम हैज इम्पोज्ड एडिशनल टैक्सेस। एफएम मतलब यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, तो ये इम्पोज करते हैं ऑन द फिजिकल डेफिशिएट टू द कंट्री हैज बीन रिड्यूस्ड, ठीक है, ए का हो जाता है 3 के साथ में। मेनी पीपल लेफ्ट सिटी इन समर्स, ठीक है, बहुत सारे लोग समर्स में जो बड़े शहर है उनसे हटकर जो हिल स्टेशन है वहाँ चले जाते हैं घूमने के लिए। तो टूरिज्म गेन गुड रेवेन्यू इन द समर्स, बी का हो गया 4th, ठीक है। देखिए ए का 3, बी का 4, ए का 3 और बी का 4, मतलब ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4, ओके, ये भी एक मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन है। ये पूछा गया है जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अरब पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग, जिसे आप ओपेक कहते हैं, तो ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ओपेक का हेडक्वार्टर देखने को मिलता है दैट इज इन द कुवैत के अंदर। ग्रुप ऑफ सेवन जो G7 है, G7 का हेडक्वार्टर कहाँ देखने को मिलता है, दैट इज इन इटली के अंदर, गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल जो है इसका जो हेडक्वार्टर है ये देखने को मिलता है, दैट इज इन द जिनेवा नहीं है, जस्ट मिनट, इसको क्लियर करेंगे, ये आपको देखने को मिलेगा दैट इज इन सऊदी अरब में। और WTO का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा स्विट्जरलैंड के अंदर, जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर, ठीक है। तो ए का हो गया 2, बी का हो गया 4, ए का 2, बी का 4,
सॉरी जस्ट अ मिनट, ए का थ्री है, सॉरी नॉट टू है, ए का थ्री है, बी का फोर है, देखिए ए का थ्री बी का फोर, मतलब फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और सी का टू है और डी का वन है, ठीक, जो ऑप्शन वन है यहाँ पे वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फाइव, कंप्लीट करना है इस सीक्वेंस को, ठीक है। तो अभी सीक्वेंस में आप देखिए अल्टरनेट पकड़ लीजिए, तो एट प्लस वन यहाँ पर है, यहाँ पर भी प्लस वन आ रहा है, नाइन टू टेन, और टेन टू इलेवन प्लस वन, सेवन टू एट में प्लस वन आ रहा है, एट टू नाइन में प्लस वन है, और नाइन टू प्लस वन करेंगे तो क्या आ जाएगा, टेन आ जाएगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज टेन, ऑप्शन नंबर थ्री यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर फाइव का। देन हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ, सॉरी क्वेश्चन नंबर सिक्स है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है शॉर्टकट कीज बतानी है आपको, देखिए आपको सेलेक्ट ऑल करना है, तो सेलेक्ट ऑल के लिए क्या ऑप्शन होता है, कंट्रोल ए, ठीक है, तो मतलब ए का हो जाता है टू, सिंपली एक ही पॉइंट से आपका करेक्ट आंसर मिल जाएगा। बट हम बाकियों को भी देख लेते हैं, प्रिंट स्क्रीन के लिए आपका प्रिंट स्क्रीन का ऑप्शन ये रहता है, पोल्ड के लिए कंट्रोल बी आप यूज करते हैं, और ओपन न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट के लिए कंट्रोल एन, ठीक है। तो ये आपका कॉम्बिनेशन रहेगा ऑप्शन नंबर थ्री वाला, ठीक है, ऑप्शन थ्री इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर सिक्स। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन की, ओके, क्वेश्चन नंबर सेवन में पूछा है हु वाज द फाउंटेन मेंबर ऑफ द भक्ति मूवमेंट इन द महाराष्ट्र, दैट इज द ज्ञानेश्वर, ज्ञानेश्वर, ठीक है, ऑप्शन नंबर टू यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। अरेंज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको बताना है इनको, पास्ट टू प्रेजेंट, ठीक है, सबसे पास्ट टू प्रेजेंट मतलब जो सबसे पहले हुआ उसके बाद फिर कौन सा हुआ। अब यहाँ पर देखिए अगर जो हम बात करें, महात्मा गांधी जो भारत आते हैं दैट इज इन 1915 के अंदर ये भारत आते हैं, जब ये लगभग 45-46 साल के, 46 ईयर के हुआ करते थे, तो साउथ अफ्रीका से भारत आते हैं, ठीक है, और कब आते हैं, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, 9 जनवरी को आते हैं, 9 जनवरी 1915 को, इस डेट में हम क्या प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं हर साल, ठीक है। पार्टीशन ऑफ बंगाल की जब हम बात करते हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग विद द पार्टीशन ऑफ बंगाल, ये होता है आपका 1905 के अंदर, ठीक है, ईयर हो गया 1905। और कुछ बात करें यहाँ पर तो देखिए 19 जुलाई को अनाउंस किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा कि पार्टीशन ऑफ बंगाल होगा, मतलब बंगाल का विभाजन किया जाएगा, अनाउंसमेंट हुई थी जुलाई में, बट इम्प्लीमेंटेशन हुआ था 16 अक्टूबर को, तो 16 अक्टूबर को 1905 में इसका फॉर्मेशन कम्प्लीटली हो गया था। रॉलेट एक्ट सत्याग्रह जो है ये महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया, दैट इज इन 1919 में, आई थिंक ये डेट थी, आई थिंक 6 अप्रैल की, 6 अप्रैल को ये शुरू होता है, ठीक है, गांधी जी के द्वारा। डांडी मार्च की जो हम बात करें तो डांडी मार्च 1930 के अंदर होता है, एंड 12 मार्च से शुरू होता है और 6 अप्रैल तक ये चलता है, ठीक है, 1930। खिलाफत मूवमेंट आपका ये 1919 से लेके 1924 के बीच में लगभग ये चलता है, ठीक है, तो मतलब ये इनका एक टाइम पीरियड हो गया। अब यहाँ पर हम बात करें ना क्रोनोलॉजी पे, कौन सबसे पहले हुआ, तो सबसे पहले वाला इवेंट देखिए, सबसे पहले आपको देखने को मिल रहा है पार्टीशन ऑफ बंगाल, मतलब यहाँ पर हो गया बी, पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905, उसके बाद घटना होती है 1915 की, मतलब महात्मा गांधी का एडवेंट, बी ए। देन हमारा 1915 के बाद कौन सी घटना घटती है, अब देखिए ये वाली घटना और ये वाली घटना, देखिए रॉलेट एक्ट एंड खिलाफत मूवमेंट, इसमें हम रॉलेट एक्ट को पहले लेंगे, खिलाफत को बाद में लेंगे, क्योंकि एक लंबा समय चलता है ये, 1924 तक ये चलता रहता है, ठीक है, 24 तक ये। तो यहाँ पर सी पहले आएगा, फिर आपका ई आ जाएगा, इसके बाद आता है लास्ट में 24 के बाद ये आपका 1930 में डांडी मार्च आ जाता है, दैट इज द डी, बी सी, बी ए सी ई डी, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपका बन रहा है कॉम्बिनेशन के साथ में, बी ए, हाँ बी ए सी ई डी, दैट इज ऑप्शन नंबर थ्री यहाँ पर क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नाइन, दिस फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑलवेज इंडिविजुअल टू फ्रीडम टू लीव देयर रिलीजियस बिलीफ एंड प्रोटेक्शन, ठीक है, ये बेसिकली आर्टिकल 25 के बारे में बात करता है, और साथ में यहाँ पर ये बेसिकली ये बात तो आर्टिकल 25 से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर किस चीज़ के बारे में बात कराया गया है, यहाँ पर बात करी गई है सेकुलरिज्म के बारे में, ठीक है, ऑप्शन नंबर वन यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 नंबर, तो यहाँ पर आपसे पूछा है रीजनिंग क्वेश्चन है वेन डायग्राम का, सम कैमराज आर
रेडियो सम स्टैच्यूज आर कैमरा सम रेडियो आर स्टैच्यूज नो रेडियो इज स्टैच्यू नो रेडियो इज स्टैच्यू। तो यहाँ पर जो कहानी है ये बन रही है ऑप्शन थ्री की तरफ, मतलब आइदर वन और टू फॉलो, मतलब इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन हो सकता है। देखिए इसकी वेन डायग्राम की बात करें तो ये ऐसा बनेगा जैसे स्टैचूज हो गए, ठीक है, और इसके साथ में सम की बात कर रहा है तो कैमरा यहाँ पर आ गया और यहाँ पर आपका रेडियो आ गया, ठीक है। तो इस तरीके का आपका ये वेन डायग्राम बनेगा यहाँ पर। ऑप्शन थ्री यहाँ पर करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 11 की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पूछा गया है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द स्टेट इंडिविजुअल और एन ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल दैट इज कॉल्ड एज अ प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछा गया है डिटरमाइन, मतलब आपको इनको मैच करना है, मैच ऑफ द फॉलोइंग है क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ पर देखिए जो कलर जो है सॉइल का वो क्या डिटरमाइन करता है, कलर जो सॉइल का है वो डिटरमाइन करता है पेरेंट रॉक कौन सी है उसकी, ठीक है। और यहाँ पर जो रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन है, अफेक्ट ऑफ रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन, ये आपका बनता है किसके साथ, फ्लोरा फ्लोना एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ में। ए का 3 है, बी का 4 है, ए का 3 बी का 4 दैट इज ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर क्या हो जाता है करेक्ट आंसर। तो सी का डिटरमाइन द थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल, ये आपका चला जाता है किसके साथ में, टाइम के साथ, एल्टीट्यूड एंड स्लोप के साथ रिलीफ हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये मैच ऑफ द फॉलोइंग कवर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका देखिए प्रमोशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एजुकेशन, ये सीधा डायरेक्टली आपको याद आ जाएगा थॉमस मैकॉले के साथ में, ठीक है। सी का 1 पार्ट है, तो सी का 1 पार्ट देखिए, अब सी का 1 एक ही जगह आ रहा है यहाँ पर, तो मतलब पॉइंट नंबर 2 जो है या ऑप्शन नंबर 2 है आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप आसानी से क्वेश्चन को फाइंड कर सकते हैं अगर जो आपको एक या दो पॉइंट्स भी अच्छे से 100% श्योर हैं। चलिए फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। तो यहाँ पर भी एक मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन है, एयरपोर्ट्स हैं कहाँ कहाँ पर है बताना है। देखिए आईजीआई जो है वो दिल्ली के अंदर है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट जो है वो आपका कोलकाता के अंदर है, छत्रपति शिवाजी महाराज का जो एयरपोर्ट है वो आपका मुंबई में है, और गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो अमृतसर का है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाता है ए के साथ में 4 है, बी के साथ क्या है आपका 3, सी के साथ 1 एंड डी के साथ है 2। तो 4312 दैट इज 43 जस्ट अ मिनट व्हाट हैपन, यहाँ क्या कंफ्यूजन हो गई भाई, देखो 4312 ओके राइट, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर 4312, ठीक है। ऑप्शन 4 यहाँ पर क्या है करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 का। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो 15 में पूछा है आपको बताना है यहाँ पर फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के बारे में। तो देखिए मशीनरी इज अ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, रोड इज ऑल्सो, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो आपका ह्यूमन मेड रिसोर्सेज नहीं है, रिवर वाटर भी नहीं है, ब्रिजेस है, तो मतलब ए बी एंड ई दैट इज ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स। सो यहाँ पर जो चाइनीज पर्सन थे वो थे फाइयान एंड जेंग आई क्विंग, ठीक है, ये 3 लोग थे, मतलब बी सी डी ऑप्शन का आंसर जो है वो करेक्ट होगा, दैट इज पॉइंट नंबर 4 या ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। और मेगास्थनीज की जब हम बात करते हैं तो ये आपका सेल्यूकस निकेटर के दरबार से आया था, बेसिकली सेल्यूकस निकेटर ने इसे भेजा था, और चंद्रगुप्त जो थे मौर्य किंग, चंद्रगुप्त मौर्य, उनके टाइम पर ये भारत आता है। इबन बतूता जो है वो आपका कहाँ से आता है, मोरक्को से आता है, ठीक है। तो चाइनीज जो लोग हैं वो ये 3 लोग हैं, बी सी डी इज द करेक्ट आंसर। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 हो गया 17 नंबर क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, फोर्स जो बल है उसकी एप्लीकेशन क्या क्या है। देखिए फोर्स में ब्रिंग द चेंज इन द पोजिशन, चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, बिल्कुल ये सही है, शेप में चेंज ला सकता है किसी भी चीज़ पे आप फोर्स लगाओगे तो। फोर्स में टेक एन ऑब्जेक्ट टू मूव, फोर्स जो की वजह से कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर सकता है आगे की तरफ पीछे की तरफ कहीं भी। फोर्स कैन नॉट चेंज द डायरेक्शन, देखिए फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन, इट कैन नॉट नहीं होगा, यहाँ पर होगा कैन, इट कैन बी, तो ये स्टेटमेंट जो है गलत है। मतलब कोई चीज़ है आपकी, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसको आपने इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया
तो ये आगे चला गया। आपने इस तरफ से फोर्स लगाएंगे तो आप इधर चला जाएगा ना, तो इधर की डायरेक्शन इधर हो गई ना, तो डायरेक्शन तो चेंज कर ही रहा है। फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, बिल्कुल, अब जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उस हिसाब से इसकी स्पीड बढ़ेगी। फोर्स कैन पुल और पुश द ऑब्जेक्ट, भाई पुल भी कर सकता है, पुल भी कर सकता है, पुश और पुल दोनों काम कर सकता है, दैट इज। तो यहाँ पर जो गलत है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर गलत हो जाता है। तो ए बी डी ई, देखिए ए बी डी ई कहाँ पर है, ए बी डी ई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फोर यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 17। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। तो यहाँ पर आरबीआई से रिलेटेड क्वेश्चन है, आरबीआई जो पहली बार बना था दैट इज इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत बना था, 1 अप्रैल को, ठीक है, 1 अप्रैल को 1935 में ये बना था आरबीआई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 की, जब थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ओके 19 की जब हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा है, ओके देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा है, यहाँ पर अगर जो हम बात करें तो जो बेसिकली करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, ये जो पैटर्न है बेसिकली ये आपका शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के अंतर्गत आता है, शिफ्ट एग्रीकल्चर के अंतर्गत, ठीक है। एंड आपका फार्मिंग प्रैक्टिस टू बी मीट नीड ऑफ द फार्मर्स फैमिली ओनली, ये आपका सब्सिडरी सब्सिडेंस एग्रीकल्चर के अंदर आता है। क्रॉप ग्रोन फॉर द कमर्शियल पर्पस, कमर्शियल पर्पस के लिए जो ग्रो की जाएगी वो कमर्शियल ग्रीन फार्मिंग होती है। सिंगल क्रॉप ग्रोन इन द लार्ज एरिया, मतलब एक ही एरिया में बहुत ज़्यादा क्रॉप ग्रो करी गई है, बेसिकली दैट इज कॉल्ड एज अ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो बनेगा 3421। देखिए यहाँ पर क्या है, 3421, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 ही आपका क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर मतलब एक ही फार्म पे बहुत ही, मतलब एक जैसे आप यूएसए वगैरह की बात करें या कनाडा की बात करें तो वहाँ पर क्या है, या पंजाब में, इंडिया में भी हम बात करें तो पंजाब हरियाणा वाला जो बेल्ट है तो वहाँ पर एक ही क्रॉप को बहुत ही लार्ज पैमाने पर उगाया जाता है, ठीक है, तो उसे कहते हैं प्लांटेशन फार्मिंग। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पूछा गया है मैच ऑफ द फॉलोइंग है, देखिए इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा मेरे को ना कन्फ्यूजन हो गया एक्चुअली ऑप्शंस में। देखिए सिंपली हम अगर जो बात करें यहाँ पर तो देखिए जो टावर होता है बेसिकली, नहीं टावर नहीं, सर्कुलर पाथ ऑफ अराउंड द स्तूप जो सर्कुलर है, सिस्टमेटिक सर्कुलर पाथ अराउंड द स्तूप जो है, ठीक है, ये क्या कहलाता है, ये होता है आपका गर्भगृह, ठीक है, गर्भगृह मतलब सी का हो गया 4, ठीक है, ओके सी का 4 हो गया। अगर जो हम इसको कंसिडर करके करते हैं तो हमारा जो आंसर है ये आपका ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, ठीक है। और टावर जो बेसिकली होता है, तो जो टावर होता है वो होता है आपका स्तूप होता है, आई थिंक, ठीक है। तो आई थिंक देखिए इस क्वेश्चन में मेरे को थोड़ा सा डाउट है, बट आई थिंक यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 ही होना चाहिए आंसर। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे पूछा है एमएलसी बाय एट चीप रेट, ठीक है, किन चीज़ों को चीप रेट पे बाई करती है, गारमेंट्स एंड लोकल प्रोडक्ट्स को, दैट इज ए के साथ है 3, ठीक है, एंड इसके साथ में क्या आता है, ए के साथ 3 है, तो देखिए ए के साथ 3 क्या है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इंडियन कंपनीज जो हैं वो जैसे टाटा मोटर्स है, इन्फोसिस है, रेनबैक्सिस है, ये क्या है आपकी भारतीय कंपनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, द ट्रेड बिटवीन द टू कंट्रीज, ठीक है, ये क्या होता है, दिस इज कॉल्ड एज अ इंटरनेशनल ट्रेड, ऑप्शन नंबर 4 है करेक्ट आंसर। चूज द हायरकी फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप, बॉटम टू द टॉप आपको जाना है। तो यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो आपका बनेगा दैट इज द ऑटोट्रॉप, देन ऑटोट्रॉप के बाद इसको हम ऐसे लेते हैं यहाँ पे ऑटोट्रॉप, ऑटोट्रॉप के ऊपर आएगा आपका हेटरोट्रॉप, ठीक है, एंड हेटरोट्रॉप के बाद आएगा आपका दैट इज हर्बीवोरस, सॉरी हर्बीवोरस एंड कार्निवोरस, देन ओमनीवोरस, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन रहेगा, तो ये आपका बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन 4 यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। तो क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है, देखिए मैथमेटिकल क्वेश्चन है, मैथमेटिकल सीरीज आपको दी गई है 1, 2,
6, 24 और 120 आपको बताना है नेक्स्ट क्या होगा। तो देखिए इसमें एक पैटर्न फॉलो हो रहा है सिंपली। देखिए 1 इंटू 2 करेंगे तो कितना आता है, 2 आता है। अब जो रिजल्ट आया उसको क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है इसके प्लस के साथ, इसमें प्लस कर देना है 1, मतलब इसको इसको प्लस करना है तो 3 आएगा, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा। नेक्स्ट टर्म आ गया 6, यहाँ लिखेंगे। अब देखिए इसका नेक्स्ट टर्म क्या है, 4, मतलब इस टर्म में एक ऐड करते जाओ, ये वाली जो टर्म आ रही है तो इसमें आप ऐड कर रहे हो क्या 4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 24, 24 यहाँ पर इसमें ऐड करो आप 1 तो 5, तो दैट मीन्स 120 हो गया। अब 120 है इसमें और एक और ऐड करो आप 6, दैट विल बी 720, तो 720 हो गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 का, आइडेंटिफाई द डिवाइस दैट एक्सेप्ट द डाटा इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द यूजर, सो दैट इज द इनपुट डिवाइस होता है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए फिर हम बात कर देखिए 125 आपके जीएस के क्वेश्चन हैं, ये आपके हिंदी के क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चन को मैं स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं 51 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्टली। ओके, देखिए ये आपका 50 नंबर क्वेश्चन था लास्ट हिंदी वाला, उसके बाद ये आपका 51 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है। देखिए एक मैथमेटिकल क्वेश्चन है सिंपली कि भाई जो डेल्टा है इक्वल है प्लस है, इसका मतलब है एडिशन और बाकी जो ये रेस्ट ऑफ द सिंबल्स हैं, जैसे आपका ये दिया हुआ है, ठीक है, ये स्क्वायर इक्वल इनटू, इसका मतलब है मल्टीप्लाई करना है। तो सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, 4.2 और डेल्टा लिया हुआ है, डेल्टा दैट मीन्स आपका एडिशन था, एडिशन है 7.1 के साथ में और स्क्वायर लगा हुआ है, मतलब स्क्वायर ये आपका बना हुआ है एक, ठीक है, तो इसका मतलब हो गया मल्टीप्लाई, दैट इज विद द 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप, ठीक है, और फिर इसके साथ ऐड कर देंगे तो आएगा 39.7, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3। ये क्या है 2 by 5 into, अब ऑफ लिखा हुआ है ना, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, दैट इज द अगेन ये आपका 5/2 था, रिवर्स हो गया 2/5, दैट इज 4/25 हो जाता है, यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 20% ऑफ द 40% इज 8, देन द नंबर इज, देन द नंबर इज यहाँ पर जो पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन नंबर है 53 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी द 100, ठीक है, 100 ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। 12 पेन कॉस्ट जो है, 12 पेनों की कॉस्ट कितनी है, 30 रुपए, और कॉस्ट आपको निकालनी है यहाँ पर देख लीजिए हिंदी में 26 पेन की, 20 पुरानी है ना यहाँ पर क्वेश्चन, तो इसलिए मैंने हिंदी वाले से कंसिडर कर लिया है। तो देखिए 12 पेन की कॉस्ट है 30 रुपए, ठीक है, तो 30 डिवाइडेड बाय 12 ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, आएगी समथिंग 2.5 के अराउंड, ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 26 से, आपको आंसर मिलेगा दैट इज 65 रुपीज, ठीक है, 26 पेन की कॉस्ट क्या हो गई 65 रुपीज, ठीक है, 2.5 रुपए एक पेन की कॉस्ट हो गई, बट यहाँ पर पूछा है 26 कलमों की कीमत क्या होगी। ठीक है, 54 के बाद हम बात करते हैं 55 नंबर क्वेश्चन की, यहाँ पर आपसे पूछा है इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 चेयर्स इज इक्वल्स टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 8 चेयर्स, ठीक है, देन द प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर जो प्रॉफिट परसेंटेज होगा वो होगा 25% का प्रॉफिट होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर, सॉरी बी नहीं, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर रहेगा। डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस, डिस्काउंट हमेशा कॉस्ट प्राइस पर ही कैलकुलेट किया जाता है। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 2800 रुपीज फॉर 18 मंथ्स एंड 10%, देखिए यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला याद होगा, अमाउंट इक्वल्स टू पी प्लस 1/r 100/n, ठीक है, तो इस फॉर्मूले को यूज करते हुए आप वैल्यूज निकालेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 434, ठीक है, यहाँ से n निकलेगा और n से फिर आप आगे निकालेंगे तो यहाँ पर वैल्यू आएगी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 57 के बाद है 58 नंबर क्वेश्चन, मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन है, सॉलिड विद देयर रिस्पेक्टिव फेसेस, ठीक है, स्फीयर के अंदर जो है आपके एक फेस होता है, क्यूबॉइड के अंदर आपके 6 फेसेस होते हैं, कोन के अंदर होते हैं 2 फेसेस एंड सिलेंडर के अंदर होते हैं 3 फेसेस, ठीक है, तो यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन बनेगा दैट इज स्फीयर, मतलब 2 हो गया, क्यूबॉइड हो गया आपके 6, 2 के बाद हो गया 4 एंड कोन का हो गया 1 एंड सिलेंडर का हो गया 3, 2 4 1 3, 2 4 1 3 देखिए कहाँ पर है, 2 4
यहाँ पर है, 2413 यहाँ पर है, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर हो जाता है 58 नंबर का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं 58 के बाद है, 59 नंबर क्वेश्चन है। नीरा एवरेज मार्क्स इन 5 सब्जेक्ट्स इतना दिया गया है और ही रिसीव्स मार्क्स इन 6 सब्जेक्ट्स, 5 सब्जेक्ट्स का आपको एवरेज इतना दिया गया है, 6 सब्जेक्ट्स में भी उसको कुछ मार्क्स मिले हैं जिसकी वजह से एवरेज राइज हो जाता है, 75 मार्क्स आ जाता है, तो आपको बताना है 6 सब्जेक्ट में मार्क्स कितने थे यहाँ पर, तो 6 सब्जेक्ट में मार्क्स थे यहाँ पर 90 करेक्ट आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए इसको सिंपली सॉल्व करना है, 1.08 प्लस 0.03 का स्क्वायर आपको लेना है, तो यहाँ पर 1.11 इसका स्क्वायर लेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 1.2321। ठीक है, और ये जो वैल्यू है 4 × 1.03 और 1.08, तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट द 0.1296। ठीक है, इन दोनों को माइनस करेंगे यू विल गेट द 1.1025। ठीक है, 1.1025 दैट इज द ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर हम बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एलसीएम ऑफ द टू को प्राइम नंबर इज, को प्राइम नंबर का एलसीएम क्या होता है, ये होता है आपका 61 का करेक्ट आंसर होगा विद देयर प्रोडक्ट्स, दैट इज ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ए एंड बी स्टार्ट्स अ बिजनेस, दे इन्वेस्टेड कैपिटल इन द रेशियो ऑफ 3:5 एंड द टाइमिंग ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट बीइंग इन द रेशियो ऑफ 2:3, देन व्हाट विल बी द देयर प्रॉफिट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, देयर प्रॉफिट विल बी इन द 2:5 की रेशियो में आपका ये बढ़ेगा। ठीक है, 2:5 ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की, तो यहाँ पर द एचसीएफ ऑफ टू को प्राइम नंबर्स इज द 1, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर करेक्ट, तो यहाँ पर देखिए ये जो एलसीएम दिया गया है 2:5:4 का एलसीएम जो होता है वो होता है 20 होता है ना कि 10 होता है, तो मतलब डी ऑप्शन तो आएगा नहीं, तो डी नहीं आएगा तो ये कट गया आपका। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 64 है, देखिए यहाँ पर लिखी है ई पॉइंट में एवरी मल्टीपल ऑफ द नंबर इज स्मॉलर देन द नंबर, नो एवरी नहीं होता है, नो ठीक है, हर नंबर नहीं होगा, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी गलत है, डी ई गलत हो गया, ओके डी का तो ऑप्शन था ही नहीं, सॉरी बी डी हो गया ना। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर आपके वन इज द मल्टीप्लायर ऑफ एवरी नंबर, ये स्टेटमेंट भी आपकी गलत है, आपकी जो स्टेटमेंट सही है वो है फर्स्ट वाली और थर्ड वाली। ठीक है, ए एंड सी आपकी क्या है, सही स्टेटमेंट है, तो ये दोनों सही हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, ए एंड सी। नेक्स्ट है आपका एक मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन है आपका मैथमेटिक्स का, तो यहाँ पर जब आप सॉल्व करोगे चीज़ों को तो 65 का जो करेक्ट आंसर बनेगा दैट इज द ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बनेगा। ठीक है, चलिए फिर पढ़ते हैं आगे, 65 के बाद है क्वेश्चन नंबर 66, 18 इज 45% ऑफ व्हाट नंबर, सो दिस इज अ 40, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर नंबर इज ऑल्सो अ क्यूब नंबर, यहाँ पर जो होगा दैट इज द 64 रहेगा यहाँ करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं 68 की, तो 68 के अंदर आपसे पूछा है मोड और ये सब निकालना है, तो आपको मोड निकालना है इस वैल्यू की, तो ये आपको मोड मिलेगा दैट इज 9, सो यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 68। ठीक है, देन हम बात करते हैं 68 के बाद 69 नंबर क्वेश्चन की, तो यहाँ पर पूछा है द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द टू कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय द, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 69 नंबर क्वेश्चन का दैट वाज 8, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मार्क इज गिवन फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 1/3 मार्क्स इज नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चन के अंदर, स्टूडेंट गॉट 80 मार्क्स फॉर सॉल्विंग 120 क्वेश्चन, हाउ मेनी क्वेश्चन डिड ही सॉल्व करेक्टली दैट इज द 90, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 70 का। देन हम बात करते हैं 71 नंबर क्वेश्चन की, अब यहाँ पर देख सकते हैं आप 71 में क्यूब रूट दिए गए हैं सबके, सबके अलग अलग क्यूब है, देखिए 1331 का क्यूब बेसिकली जो सिंगल वैल्यू है आपका क्यूब निकालेंगे तो 11 आएगा,
11 प्लस 216 का जो होता है वो 6 होता है, 729 का क्या होता है, दैट इज ऑफ 9 होता है, 64 का क्या होता है, 4 होता है। तो इनको वैल्यूज को आप ऐड करोगे तो यहाँ पर आप देखिए 20 हो गया और 10 ये 30, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 30 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 72। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है ए एंड बी टू फ्रेंड्स स्टार्ट अ बिजनेस जॉइंटली और ए बी ने इन्वेस्ट किया सम अमाउंट 1/4 ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए। तो आपको शेयर बताना है बी का एनुअल आपको इतना दिया गया है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 32,000। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर होगा। इफ एक्स कैन फिल अ टैंक इन 20 मिनट्स एंड एक्स प्लस वाई दोनों ने टैंक फिल किया 12 मिनट में, हाउ लॉन्ग वाई कैन बी फिल द टैंक अलोन। सो इसके लिए टाइम लगेगा उसको 30 मिनट्स का, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 73 का। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं 73 के बाद है 74 नंबर क्वेश्चन। तो राधिका परफॉर्म 5/3 ऑफ इज टोटल जर्नी बाय रेल, 7/20 जर्नी बाय बस एंड द रिमेनिंग 6.5 किलोमीटर ऑन फुट। हर टोटल जर्नी वॉज इक्वल्स टू, उसकी जो टोटल जर्नी थी वो कितनी थी, 130 किलोमीटर की। ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ द हेप्टागन इज होती है 900 डिग्री होती है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर क्या है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं देखिए 75 के बाद ये आपका इंग्लिश का क्वेश्चन आ जाता है, तो उसे हम छोड़ रहे हैं जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था। तो ये था हमारा सॉल्यूशन पार्ट ऑफ द जीएस, जस्ट अ मिनट, ओके, सॉल्यूशन पार्ट ऑफ द जीएस के जो क्वेश्चन थे 1 to 25 एंड जो आपका मैथमेटिक्स का पार्ट था, मैथमेटिक्स या रीजनिंग का जो सेक्शन था जिसके अंदर क्वेश्चन थे 51 to 75। ठीक है, तो ये 50 क्वेश्चन के आंसर हमने यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर डिस्कस किए हैं। अगर जो वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, और अगर जो चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।